हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ और चर्चा के साथ ही पहला सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ, अगले 4 दिन जो ट्रेडिंग डेज हैं वो बाजार के ऊपर भारी है। और भारी ये है कि बाजार के अंदर एक कोहराम जो है मच सकता है, और वो कोहराम मचने के संकेत आज के एडवांस डिक्लाइन डेटा से ज़्यादा आपको जो शेयर्स इंडेक्स को खींच रहे थे उनसे लगा लेना चाहिए। जब इंडेक्स के अंदर पीएसयू शेयर्स लीड करने लग जाएं और ये बताने लग जाएं कि हम बाजार को रोकने वाले हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि बाजार गिरने की कगार पे है। और बाजार अब 4 दिन, अगले जो 4 दिन है इस मंथली एक्सपायरी से पहले, हमें लगता है कि एक अच्छी खासी सेलिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। हालांकि उन सेक्टर्स में हमें उम्मीद कम है जो कि पहले से बीटन डाउन है, जैसे कि आईटी। और अब जो सेलिंग आएगी वो मुझे लगता है कि अब जो सेलिंग है वो बैंकिंग भी नहीं बचने वाला है। बैंकिंग के रिजल्ट अच्छे हैं, ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अब बैंकिंग के ऊपर भी प्रहार होता हुआ नजर आएगा। आज जिस तरीके से कोटक महिंद्रा बैंक की धज्जियां उड़ाई गई और कोटक महिंद्रा बैंक लगातार नए लो लगा रहा है, तो और आज भी एक नए लो जो है कोटक महिंद्रा बैंक ने लगाए। इसके अलावा केवल एचडीएफसी बैंक जो है बैंक निफ्टी को संभालता हुआ नजर आ रहा है, वो भी केवल और केवल संभाल रहा है, गिरने से बचा नहीं रहा है। कि बस ये कह रहा है कि भाई मैं देखो चलाऊंगा तो नहीं, पर मैं रोकने की कोशिश कर सकता हूं, तो उसने भी रोकने की कोशिश की। आज सारे पीएसयू शेयर्स जो है चलते हुए नजर आए और पीएसयू जो इंडेक्स के हैवी वेट्स हैं उनसे बाजार रोकने की कोशिश की गई। तो ये जो है पहला संकेत हमारे को मिल रहा है कि बाजार के अंदर कोहराम मच सकता है। दूसरी बात आपको बताता हूं कि जितने भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं, अगर आप उनको देखें, अदर देन आईटी जिसको आप सबसे वीक मान रहे थे वो वीक नहीं निकला, वो बल्कि मजबूत निकल गया। और जिसको आप सबसे मजबूत मान रहे थे यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो कंज्यूमर रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, कंजम्पशन वाले शेयर्स की तो धज्जियां उड़नी अभी बाकी हैं। और कंजम्पशन के जो शेयर्स हैं वो बहुत ही हाई पी वैल्यूएशंस पर इंडिया में ट्रेड कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगले 3 से 6 महीने जो हाई पी वैल्यूएशंस वाले जो कंजम्पशन स्टॉक्स हैं उनका बहुत बुरा हाल जो है आपको आने वाले समय में मिलेगा। चाहे वो कोई भी कंजम्पशन स्टॉक्स है, पूरी इंडिया जो है कंजम्पशन लेड स्टॉक्स के ऊपर बुलिश है। क्यों बुलिश है? क्योंकि भाई इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन हर चीज़ की वैल्यूशंस होती है। भाई अगर कंजम्पशन लेड स्टॉक्स भी हैं तो 20 की पी पे चला लो, 30 की पी पे चला लो, 40 के पी पे चला लो। अरे जो जो शेयर 60 60 70 80 की पी पे चल रहे हैं और वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो भैया उनका तो उतरना निश्चित है। अब अगले 6 महीने के दौरान आप देखेंगे कि जो हाई पी वैल्यूशंस वाले शेयर्स हैं जिनमें ग्रोथ मिसिंग है, वो शेयर्स आपको उतरते हुए नजर आएंगे। और ये मेरा आकलन केवल इस बात से है क्योंकि मैं जो रिजल्ट देख रहा हूँ, मैं भी मैंने एशियन पेंट्स के रिजल्ट देखे, भाई साहब बिल्कुल खराब रिजल्ट है। मोस्टली केमिकल स्टॉक्स भाई साहब खराब परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कंजम्पशन लेड स्टॉक्स मार्जिन साफ हो रहे हैं। आप इवन हैवल्स को देखिएगा, मैं बहुत फेवरेट मेरी कंपनी है, लेकिन वहां पर भी देखिएगा मार्जिन के साथ कैसे जूझ रही है। हालांकि वहीं पर पोली कैब अभी थोड़ा सा उभरता हुआ सितारा है, उसके अच्छे रिजल्ट हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये बात पक्की है कि भाई जो वैल्यूशन आप दे रहे हैं क्या वो वैल्यूशन डिजर्व करती हैं लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, वो जो है एक डाउट क्रिएट होता हुआ आपको नजर आएगा। और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है देखिएगा, उस पर हम सब बिलीव करते हैं तभी तो हम शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, बट वैल्यूशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो वैल्यूशंस रीजनेबली वैल्यूशंस हैं या वैल्यूड स्टॉक्स हैं वो देखिएगा दम दिखा रहे हैं। आज भी आपने कुछ शेयर्स देखे होंगे जो 10 12 15 की शेयर्स पर चल रहे हैं, पिछले 4 5 साल में वही हैं, कंपनीज ने प्रॉफिट डबल कर दिए हैं लेकिन शेयर्स का प्राइस वहीं पर पड़ा हुआ है। तो ऐसी जो कंपनीज हैं जहाँ पर टर्न अराउंड हो सकता है वो मुझे लगता है कि फेवरेट है। और इस साल का मेरा फेवरेट देखिएगा, मुझे लगता है कि जो फार्मा स्टॉक्स हैं, फार्मा में भी जो 50% फार्मा कंपनीज, मुझे 50% मुझे भी महंगी लग रही है, लेकिन 50% फार्मा कंपनीज आपको ऐसी नजर आएंगी जहां पर वैल्यूएशंस बहुत ही रीजनेबल हैं और आप लोग इस बात को जानते भी हैं। और इसके अलावा जो कंजम्पशन लेड स्टॉक्स हैं जहां पर आपको एफएमसीजी में 15 16 18 के पी पर जो शेयर्स मिल रहे हैं वहां पर एक अच्छी पकड़ हो सकती है। कुछ शेयर्स हैं लेकिन उनकी ब्रांडिंग बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वो शेयर्स भी मुझे लगता है कि 15 16 की पी उनके ऊपर भी तो कंजम्पशन जो है स्टोरी प्ले होती है। तो देखिए ये जो मेरा आकलन है ये केवल और केवल डेटा पॉइंट देख के मैं आपके साथ बात करूं। आज बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी ऊपरी लेवल पे नहीं संभल पा रहा है, भाई साहब बेचने वाले ने इस बात को मान के बैठे हैं, भाई तुम खरीद लो जितना खरीदना है, हमें तुम्हें फंसाना है। और ये जो है आपको चीज नजर आ रही है, बाजारों के अंदर पैसा डलवाया जा रहा है, और देखिएगा पैसा कैसे डलवाया जा रहा है कि भाई निकालने वाला को एक अच्छा एग्जिट मिल जाए। और एफआईआईज को मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एग्जिट मिल रहा है इस टाइम पे। मैं पहले इस बात को जो है नहीं सोच रहा था, लेकिन जब आप क्वार्टर रिजल्ट्स को आप देख रहे हैं, आप देखिएगा न्यू नॉर्मल की तरफ आ रहे हैं,
मतलब अब तो मनी कंट्रोल ने भी ये बोलना शुरू कर दिया कि बजट इज ए न्यू नॉर्मल। तो न्यू नॉर्मल बजट है, लेकिन भाई नॉर्मलिटी है कहाँ? आपके शेयर प्राइस तो ऊपर आ गए भाई, कोविड से पहले 12,000 पे बाजार था, बाजार अब चला गया 18,000 पे, और 12 से 18 50% का राइज हो चुका है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ कहाँ है? प्रॉफिट ग्रोथ तो है ही नहीं, कंपनियां तो जूझने लग रही हैं। HDFC बैंक 4 पॉइंट संभाला, SBI लाइफ ने 1.65, और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी तो मुझे इतनी महंगी लगती हैं कि बेहद। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी आएगी ना, ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का तो भविष्य मुझे गर्त में नजर आ रहा है। ये तो देखिएगा, सरकारों ने इनको लूटने का लाइसेंस दे रखा है। अगर आप समझदार हैं तो आप कभी भी कोई भी पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे तो केवल एक ही इंश्योरेंस पॉलिसी काम की होती है, जिसको हम बोलते हैं टर्म प्लान। हर साल पैसे दो, करोड़ रुपए का, 2 करोड़ का, जितना इंश्योरेंस कराना करा लो। इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टमेंट का टूल नहीं है, और मोस्टली इंश्योरेंस कंपनीज में इन्वेस्टमेंट दिखा दिखा के बेचा जाता है, या ATC की छूट देने के लिए बेचा जाता है। बट मैं आपके साथ एक ही बात बोलना चाहूंगा, भाई समझदार बनो, कोई भी इंश्योरेंस प्लान नहीं लेना है, केवल एक को छोड़ के टर्म प्लान। हो सकता है आप में से बहुत सारे इंश्योरेंस के एजेंट्स हो, भाई वो नाराज हो जाए मेरे से कि सर ये आप क्या बात कर रहे हो, बट देखिएगा मैं जो सही बात है वो बता रहा हूँ गुड फेथ के साथ। सबसे बेस्ट होता है एक टर्म प्लान लो आप, और उसके अलावा अपनी लाइफ को जो है लाइफ कवरेज लो, यही तरीका होता है। इसके अलावा आप बोलते हैं मनी बैक लेंगे, ये लेंगे, फलाना लेंगे, वो सब बकवास पॉलिसीज हैं, और उसमें केवल आपका नुकसान हो रहा है। आपको अगर वो निवेश करना है तो वो आप अपने म्यूचुअल फंड्स में निवेश करिए, अलग से एक टर्म प्लान ले लीजिएगा, ये मेरा मानना है। और म्यूचुअल फंड्स में भी डाइवर्सिफाई कर सकते हो, गोल्ड भी कर सकते हो, लिक्विड फंड्स भी कर सकते हो, इक्विटी भी डाल सकते हो, उस इक्विटी में भी क्लासिफिकेशन कर सकते हो, डोमेस्टिक इक्विटी हो सकती है, फॉरन इक्विटी हो सकती है, उसके अलावा स्मॉल कैप हो सकते हैं, मिड कैप हो सकते हैं, सेक्टरल इंडेक्स हो सकते हैं, बैंकिंग हो सकता है, फार्मा हो सकता है, IT हो सकती है। तो इतनी वेरायटी आपके पास है, तो क्यों आप जाएंगे कि भाई इंश्योरेंस कंपनी मेरे पैसा ले और मेरे को 3% का इंटरेस्ट देते रहे, यानी कि 3% से ज्यादा कंपाउंडिंग नहीं होती है। तो इंश्योरेंस कंपनी में निवेश के लिए भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि जैसे जैसे नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, या गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि भाई ठीक है हम इनकम टैक्स लेंगे, हमें इन्वेस्टमेंट से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है। तो देखिएगा जैसे जैसे इनकम टैक्स के अंदर ATC की छूट कम होती जाएगी, या जो न्यू रिजीम के अंदर इनकम टैक्स है, तो इम्पैक्ट आपको पड़ना लाजिमी है। तो मेरा फेवरेट स्टॉक है ही नहीं, वह लाइफ इंश्योरेंस कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में है ही नहीं, और अदर देन LIC वो भी IPO में जो मेरे शेयर्स आए थे वो ही पड़े हुए हैं, बाकी मेरे पास कोई शेयर्स नहीं है। और वो भी देखिएगा LIC में भी जब अच्छा मौका मिलेगा उनसे भी मैं एग्जिट कर जाऊंगा। तो UPL, एक्सिस बैंक और टाटा स्टील, ये सब शेयर्स हैं। अदानी इंटरप्राइज, एशियन पेंट्स, टाइटन कंपनी, कोटक महिंद्रा, एक्चुअली ये सब गिरने वाले शेयर्स थे। अदानी इंटरप्राइज गिरने की खबर मैंने कल ही आपको बता दी थी कि भाई किस वजह से गिर सकता है। और NSE की एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपको कह रही है 1198 शेयर्स के सामने 799 शेयर बढ़ने वाले हैं, तो भैया गिरने वाले शाम तक बढ़ते रहे, बढ़ते रहे भाई, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बिल्कुल बढ़ते रहे, गिरने वाले बढ़ते रहे, ये भी संकेत दे रहा है भाई, क्यों क्यों गिर रहे हो, संकेत है आपके सामने। अब देखिएगा बढ़ने वाले शेयर्स, ये जो सबसे बड़ा संकेत है, कोल इंडिया, ONGC, भारत पेट्रोलियम, पावर ग्रिड, SBI लाइफ, ये सारे शेयर्स अगर पब्लिक सेक्टर की कंपनियां चलती रहेंगी वो इंडेक्स को बचाएंगे भाई, तो फिर हैवी वेट तो दूसरे साइड पे है, बाजार ने तो हैवी वेट ने संभालना है। अदानी इंटरप्राइजेस गिरता हुआ नजर आया, टाटा मोटर्स गिरता हुआ नजर आया, एशियन पेंट्स में मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, अभी देखिए मेरे व्यक्तिगत राय है, मुझे लगता है कि एशियन पेंट्स शायद 2500 रुपये का भाव भी दिखा दे आपको, ठीक है, फिर वहां पर आप खरीदने का सोच सकते हैं। मैं पर कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा, बट एक वैल्यू जो है जो आप देते हैं तो उसके बारे में पता चाहिए, मेरी कोई पोजीशन भी नहीं है, ठीक है जी। और इस टाइम पे तो निफ्टी में भी नहीं है, कभी आप सोच रहे हो कि निफ्टी में पोजीशंस हो, निफ्टी में भी कोई पोजीशन नहीं है मेरी, बैंक निफ्टी में पोजीशंस हो सकती हैं। इंडसइंड बैंक 1.8%, मैंने कल कहा था कि देखिए रिजल्ट ठीक है लेकिन फिर ये शेयर कल गिरेगा, आज हुआ वही। अदानी पोर्ट्स 1.72, कोटक महिंद्रा बैंक, इस पर तो दया आ रही है, ठीक है जी। और इसमें जो है हमने एडवाइज किया, देखिएगा इसकी पुट राइटिंग हम कर रहे हैं, और हमें लगता है कि यार ये ज़्यादा गिरा दिया है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी तो सारे बिजनेसिस हैं, जब बाकी इंश्योरेंस कंपनीज को अच्छी वैल्यूशन मिल रही है तो इसको क्यों ना मिले, ठीक है जी। इसके अंदर तो इंश्योरेंस आर्म भी है, असेट्स मैनेजमेंट भी है, स्टॉक ब्रोकिंग भी है, बैंकिंग भी है, इंटरनेशनल बिजनेस भी है, तो मुझे लगता है कि वो एक जो रूमर्स बाजार में चल रहा है वो सच होता हुआ
अगर नजर आएगा तो शायद वही रीजन है, तो कोई ना कहीं कंक्रीट है कि भाई इसको कोई ना कोई बड़ा इन्वेस्टर इससे एग्जिट करना चाहता है, जो OFS के माध्यम से शेयर्स को सेल करना चाहता है। तो अगर ऐसा है तो देखिएगा फिर इस पर प्रभाव रहेगा। तो उस समय पर अगर ये 10% क्या 5% भी नीचे आएगा तो हो सकता है कि मैं अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड करूँ उस समय पर। और अभी भी वैल्यूशन वाइज थोड़ा सा ठीक लग रहा है मुझे, बट हो सकता है कि गिरावट थोड़ी और भी हो जाए। हिंदुस्तान यूनिलीवर 1.61 और टाटा कंज्यूमर 1.61 और टाइटन 1.57 ये कंजम्पशन कंपनीज है। ठीक है, रिजल्ट सब सही है, पर यार वैल्यूशन बहुत महंगी है। और टाटा कंजम्पशन मुझे लग रहा है कि 600 की लाइन में आपको देखने के लिए मिलेगा, इसी साल के अंदर 600 की लाइन में जरूर आएगा एक बार। 738 से भाव कोई ज्यादा दूर नहीं है। और टाइटन कंपनी अच्छा कर रही है, बट ये सब वैल्यूशन वाइज ऐसा नहीं है। देखिए टाइटन ने सारे ज्वेलर्स का धंधा तो खा लिया, लेकिन आप ये देखिएगा कि इस तरीके के जो सेगमेंट है, जो कॉर्पोरेट ज्वेलर्स हैं वो, या जो बाकी जो प्लेयर्स हैं वो भी अब आ रहे हैं बाजार के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि टाइटन उसी रेट से ग्रो करता रहे अगले 20 साल, जिस तरीके की पी वैल्यूशंस मिल रही है उसके हिसाब से। और निफ्टी बैंक 42328 ये आज एक मामूली से कमजोरी के साथ, और एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल निफ्टी में बनी थी, बैंक निफ्टी में भी। आज मैं ऑप्शन चेन की डेटा आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि आज पहला ही दिन था। और इसके साथ साथ HDFC बैंक ने आज बैंक निफ्टी को संभाला। तीसरा लगातार तीसरा दिन है जब HDFC बैंक संभाल रहा है, लेकिन आज शाम को जब लास्ट में सेलिंग होनी शुरू हुई इसमें लास्ट के 10-15 मिनट में, तो वो संकेत दे रही है कि कल इससे भी सेलिंग शुरू हो सकती है। एक्सिस बैंक संभालने की कोशिश कर रहा है भाई, रिजल्ट का इंतजार कर रहा है, बट मुझे लगता है रिजल्ट आने से कोई फर्क नहीं है, रिजल्ट अच्छे आएंगे सब ठीक है। लेकिन भाई सब कुछ प्राइज इन है आज की डेट में, जो थोड़ा सा हमें लग रहा है कम्फर्ट जहाँ पे वैल्यूएशन का वो कोटक महिंद्रा में लग रहा है। ICICI बैंक देखिए लगातार लैगार्ड है, तो अच्छा रिजल्ट भी आएगा तो वो ग्रोथ नहीं डिलीवर कर पाएगा। अभी भी 20-21 के पी पर चल रहा है। इंटरनेशनली जो बैंक चलते हैं उन बैंकों से बहुत ज़्यादा वैल्यूशंस पर, और इंडिया में भी यार बैंक कम नहीं है आपस में। तो एक बैंकिंग का एक स्कोप है ना भाई, किसी भी इकोनॉमी में बैंकिंग का इतना पोर्शन होगा, तो एक बैंक चलेगा तो दूसरा उसका हिस्सा खाएगा। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी भी आने वाले समय में 1000 पॉइंट्स तक की जो है गिरावट आपको इसके अंदर भी देखने के लिए मिलेगी। और मुझे लगता है कि 41,000 के आसपास के आंकड़े, 41 और 41,500 के बीच में आपको बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिल सकते हैं। मेरा व्यू है कोई भी ट्रेड डालें तो भाई अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लेना। और पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस, IDFC, HDFC बैंक ये सब तेज थे, बाकी सब बैंक कमजोर थे। बंधन बैंक देखिएगा 1.48, 205, 210 के आसपास फिर दोबारा आएगा। तो मैंने जैसे पहले बोला था कि बंधन बैंक में वैल्यू आएगी, तो मैं देखिएगा वैल्यू पिकर हूँ, तो इसलिए हो सकता है कि मुझे वैल्यूशन वाले जो है ज़्यादा मैं वैल्यूशन को इंपोर्टेंस देता हूँ। इसलिए हो सकता है कि आपको कभी कभी लगता है यार सर तो हमेशा बेरिश मोड में रहते हैं। नहीं भाई, मुझे जब वैल्यूशन महंगे लगते हैं मैं बोल देता हूँ, और मुझे जहाँ सही वैल्यूशन मिलते हैं मैं उन शेयर्स के लिए जो है कवायत भी करता हूँ, आपके साथ बोलता भी हूँ भाई ठीक वैल्यूशन है। अब AU Small फाइनेंस बैंक है, अब ग्रोथ जो देता था पहले 30-30% की, भाई वो चली गई, 20 पे आ गया है, तो भाई अब इस रेट पर थोड़ी ना टिकने देंगे। और ये ग्रोथ 20 भी नहीं रहेगी, अगले वाले 2 या 3 साल में वो ग्रोथ 12-13% की जो है ईयर ऑन ईयर रह जाएगी। तो उस केसेस में फिर आप उसको किस बात की वैल्यूशन दे रहे हैं? तो वैल्यूशन यहाँ पे जो है कोविड के बाद जो नए इन्वेस्टर्स आए उनको नई नई स्टोरी सुनाकर जो है माल बेचा जा रहा है, ये मेरा मानना है व्यक्तिगत। आप इस पे यकीन करें ना करें वो आपकी मर्जी है। हाँ जी, निफ्टी जो है आज रोका किसने? आज FIIs ने रोक लिया 399 करोड़ की, उनकी अपनी पोजीशंस थी क्योंकि उन्होंने कल शॉर्ट कवर कर लिया था, आज दोबारा से शॉर्ट बना दिए। इंडेक्स फ्यूचर फिर बेच मारा और स्टॉक फ्यूचर्स फिर बेच दिया, तो यहाँ से भी संकेत है। अब DIIs को देखेंगे, ये मंथली एक्सपायरी में, और इन्होंने ऑप्शन खरीदिया 15,440 करोड़ की। मुझे नहीं लगता इसमें कॉल ऑप्शन की ज़्यादा वैल्यू है, मुझे लगता है पुट ऑप्शन है और मंथली एक्सपायरी की तरफ जा रहे हैं। अब ये अपना दम दिखाएंगे FIIs भी और DIIs भी। तो मुझे लगता है कि आने वाले 4 दिनों के अंदर अगर FIIs 10,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग अगले 4 दिनों में कर दे तो मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से बाजारों की वैल्यूशन हैं, रिजल्ट आ रहे हैं, FIIs भी इस बात को समझते हैं, और वो जिस तरीके से चाइना में मुझे लगता है कि निवेश हो रहा है, और चाइना के जो बाजार जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, ये एग्रेसिव सेलिंग की तरफ महीने के एंड में जा सकते हैं, उसकी बहुत अच्छी संभावना है। लेकिन मुझे IT अभी भी एक सेफ स्टॉक लग रहा है, और फार्मा जो यानी कि जो सेफ्टी वाले स्टॉक्स हैं जिनको आप डिफेंसिव बोलते हैं, वहाँ पर मुझे लगता है कि इतनी गिरावट आपको शायद देखने के लिए ना मिले, और वहाँ पर एक मौके भी आपको खरीदने के मिल सकते हैं। और पुट कॉल रेशियो 1.16 पर आती हुई नजर आ रही है, और ये भी पुट राइटर दोबारा से एग्रेसिव हो रहे हैं। और बैंक निफ्टी में तो आज पुट राइटर शाम को जाते जाते बड़े एग्रेसिव हो गए, और जब बाजार गिरा नहीं तो उनको लगा भाई अब तो कल तो चलना ही चलना है, तो पुट राइटर लास्ट के आधे घंटे में भाई साहब क्या पुट राइटिंग हुई है, तो इनका भी कॉन्फिडेंस जो है जागता हुआ नजर आ रहा है। बट मुझे सब कुछ एनालिसिस करने के बाद
ऐसा लगता है कि पुट राइटिंग जो हुई है, खरीद कौन रहा है, खरीद कौन के गया है। आज ऑप्शंस तो भाई सारी ऑप्शंस किसने खरीदी हैं, FIIs ने। तो जो अगर पुट ज़्यादा बिकी गई है तो खरीदने वाला कौन है। तो मुझे लगता है वोलेटाइल सेशन जो है देखने के लिए मिलना चाहिए, लेकिन मैं सही होऊंगा इस बात की भाई कोई गारंटी नहीं है। ट्रेड अपना लो, अपनी समझ से लो। देखो मेरा जो आकलन है वो मैंने आपको बता दिया, डाउ जोन्स भी आधा परसेंट कमजोरी के साथ काम कर रहा है इस समय पर। ब्रेंट क्रूड $85 है, तो हमारे लिए कोई रिलीफ नहीं है यहाँ पर। और ऑप्शन चेन के डेटा आज मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया, आज 15 मिनट में अपनी सारी बात मैंने आपके साथ कह दी है। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।